चमत्कारी क्षमा प्रार्थना जो आपका हर दुख दूर करेगी। कहा जाता है कि इंसान के पास तीन बहुमूल्य खजाने होते हैं, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। हमारी परंपरा में क्षमा को पांच कर्तव्यों में से एक माना गया है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी को शिकायत का मौका ना दें, नहीं तो हमारे संबंध खराब होते चले जाएंगे और हम अकेले ही रह जाएंगे। क्षमा करना शक्तिशाली लोगों का गुण होता है और क्षमा मांगने के लिए और भी शक्तिशाली होना पड़ता है, क्योंकि क्षमा मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत हिम्मत चाहिए क्षमा मांगने के लिए, लेकिन क्षमा प्रेम का अंतिम रूप माना जाता है। क्षमा याचना का भाव तभी आता है जब इंसान के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, पछतावा, जिम्मेदारी और उसे सुधारने की कोशिश। तो चलिए आज हम परमपिता परमात्मा से सच्चे मन से ये माफ़ी प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप किसी शांत जगह को चुनें, आराम से बैठ जाएं और अपनी आँखें बंद कर लें। प्रार्थना शुरू करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी सत्ता सर्वोपरि है, समस्त प्राणी आपकी संतान हैं, आपसे बढ़कर दयावान, करुणा निधान और कोई नहीं है। मैं आपकी संतान आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। ना तो मैं आपका आवाहन करना जानता हूँ और ना ही मुझे प्रार्थना करनी आती है। मैंने आज तक जो बिना नियम के आपकी स्तुति की है उसे स्वीकार करें। हे ईश्वर, रात और दिन मेरे द्वारा अनगिनत अपराध होते हैं, इन अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने जाने अनजाने किसी को तकलीफ दी हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई कष्ट दिया हो या धोखा दिया हो, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, उसके लिए हे परमेश्वर, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ, अज्ञानतावश उस उद्देश्य से भटक गया हूँ। मुझे ताकत दीजिए, समझ दीजिए और ज्ञान दीजिए और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं क्षमा का पात्र नहीं हूँ, लेकिन हे परम शक्ति, आप करुणा निधान हो। मैं आपके सामने नतमस्तक हो अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। हे दयावान प्रभु, मुझ पर दया दिखाएं। हे ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हों और अपने प्रेम की मुझ पर वर्षा करें। मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, मुझे अवश्य ही माफ़ करेंगे, क्योंकि मुझे आपका ही सहारा है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस प्रार्थना को आप कम से कम 11 दिन तक लगातार करें। कब कर सकते हैं? या तो आप रात को सोने से पहले करें, या सुबह उठने के बाद करें, या दोनों टाइम भी कर सकते हैं। कम से कम 11 दिन इस प्रार्थना को करने के बाद आप खुद से अंदर से हल्का महसूस करेंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाएगी और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लग जाएगा। जय श्री कृष्णा।